बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। या ठिकाणी बागों के हर फूल सगळ्यांचे लाडके अभिनेते माननीय अमिताभ जी बच्चन साहब यहाँ का यहाँ पर मंच की तरफ पधार रहे हैं। शिंदे परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, सर्ष स्वागत। सिने स्टार सुप्रसिद्ध कलाकार माननीय अमित जी बच्चन साहब यांचा शुभागमन तालियों के साथ। खाली बसून घ्या, सर्वांना विनंती आहे कृपया खाली बसून घ्या। बिरहा के क्षण बीते हाय, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। हा या ठिकाणी माननीय अमिताभ जी यांचा सत्कार नारायण मामश्री शिंदे हे करीत आहेत, कृपया त्यांनी सत्काराचा स्वीकार करावा। धन्यवाद, शुक्रिया। अमिताभ जी, आप जो हमारे शहर में छोटे से गांव में जो हमारे बच्चों की शादी में आशीर्वाद देने के लिए आए, हम कैसे शुक्रिया अदा करें। आज के ये आनंद में आप खुद आए, वैसे तो हम हमेशा टीवी पे आपको देखते, केबीसी में आप छाए हुए रहते, तो आज हमारे गांव में जो गरीब लोग हैं वो भी लखपति करोड़पति बन जाए, ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए। देवी और सज्जनों, आज के इस विवाह के शुभ अवसर पर चिरंजीव स्वप्निल और चिरंजीव सौभाग्यवती कांक्षिणी भाग्यश्री, इनको मैं शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि इनके हाथों से माता पिता की सेवा हो, एक राष्ट्र की सेवा हो, एक देश की सेवा हो, और साथ ही साथ हमारे जो यवला के निवासी है इनकी भी सेवा हो, यही शुभकामना देता हूं। चमन से बिखरी हुई खुशबू, आसमां से उतराई रोशनाई, स्नेह और प्रेम की शीतलता लिए बहती हुई पवन और मंत्रों के पवित्र उच्चारण से पवन हुए इस यवला के प्रांगण में मैं शिंदे परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं आशीर्वाद देने के लिए, और मैं भी आपकी तरह आशीर्वाद देने यहां आ गया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं यहां आया था तो मुझे हमारे मित्र है नारायण जी शिंदे, जिनको यवला के अंदर मामा जी के नाम से ज्यादा मशहूर है, और मामा जी का जो योगदान है वो मुझे ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामा जी को तो यमराज भी डर जाते हैं। पिछले 20 साल पहले जब इन्हें थोड़ी तकलीफ हुई थी तो भगवान ने इन्हें फिर से एक बार भेज दिया और समाज कार्य को लगा दिया, और मैं देखता हूं कि जो जन कल्याण समिति के द्वारा पिछले 11 सालों से ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जितने भी बहनें हैं इन्हें राखी बांधकर इन्हें एक अच्छा उपहार दिया जाता है, और उनके सुख दुख में
नारायण जी यानी कि हमारे मामा जी उनके साथ खड़े हो जाते हैं, ये हमारे लिए यवला के लिए बड़े गौरव की बात है, यवला ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है। और साथ ही जो दलित लोग हैं हमारे मित्र हैं उनको भी ये सहायता करते हैं, जब भी कभी इस यवला के नज़दीक में कभी भी मंदिर का निर्माण हो जाता है तो वहाँ भी उनका योगदान होता है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मामा जी आपको, और ऐसे व्यक्ति से आज मेरी मुलाकात हो रही है ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो बहुत ही तारीफ कर दी मेरी यहाँ के, धन्यवाद। अभी ये तो हो गई अपनी बात यवला वाली, कुछ पिक्चरों वाली बात हो जाए तो मजा आए, कुछ डायलॉग हो जाए तो मजा आए, जो यवला की पब्लिक है जो खुश हो जाए। कुछ मेरी कुछ फिल्मों के डायलॉग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तालिया। क्योंकि डॉन अभी यवला में है और साथ में मामा जी खड़े हैं। मेरी एक फिल्म थी शराबी जिसका नाम है, काफी पसंद आई थी आप सब लोगों को, उसी का एक डायलॉग आपके सामने फिर एक बार पेश करूंगा। मुंशी जी आप ही क्या करते थे, जब तक औरत मर्द की जिंदगी में नहीं आती है बात में वजन पैदा नहीं होता, बात में वजन पैदा करते करते हमारा वजन कम हो गया। ये मोमबत्ती बुझने से पहले अगर वो नहीं आई तो हमें इस मोमबत्ती से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। थैंक यू। एक आखिरी डायलॉग आपके सामने पेश करूंगा, जब मैं आया था मुझे बताया गया कि दीवार का डायलॉग यहां हो जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, एक सीरियस डायलॉग। जब 20 साल पहले मामा जी की तबीयत खराब हो गई थी तो वो भी अमित जी की तरह एक मंदिर में चले गए और दीवार फिल्म का डायलॉग उन्होंने बोल दिया, भगवान प्रसन्न हो गए और फिर वो हमारे सामने यहां जीवित है। वही डायलॉग आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, फिल्म दीवार का डायलॉग। आज खुश तो बहुत होगे तुम, बहुत खुश होगे कि आज मैं हार गया। जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम, बहुत खुश होगे कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो जिस वक्त मैं खड़ा हूं, वो औरत जिंदगी भर जलती लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत के साथ पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर था उसका, कौन सा पाप, कौन सा जुल्म? क्या उसका जुल्म है कि उसने मुझे जन्म दिया? क्या उसका जुल्म है कि मैं उसे प्यार करता हूं? ये किस जुल्म की सजा दी जा रही उसे? हम घर से बेघर हो गए, जीते जी मेरा पाप मर गया, मेरी मां स्वागत होते विधवा बन गई, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं चाहे तो अपने आपको तुम्हारे हवाले करता हूं, जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो, मेरी मां मुझे वापस दे दो। थैंक यू। आजकल जो केबीसी में आप सारी बहुत चर्चा होती है, जो उसमें प्रश्न रहते हैं, तो कुछ प्रश्न कुछ यवला वाली कोई कुछ आप बताओ, कुछ प्रश्न पूछो तो एक आधे प्रश्न का जवाब वो भी दे दे और वो भी लखपति करोड़पति बन जाए। मामा जी आपकी जो जनता है बहुत होशियार जनता है, मैं जो भी सवाल पूछूंगा ये जवाब दे देंगे और उतने करोड़ मेरे पास आज नहीं है। बाद में भेज देना, चेक दे देना आज। तो ऐसा करते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं केबीसी का, मैं कोशिश करता हूं, मेरा केबीसी आप देखते हैं शुक्रवार रहता है, शनिवार और संडे के दिन आप सब लोग देखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग केबीसी देखते हैं। उसी केबीसी का एक म्यूजिक यहां बजेगा और साथ में मैं हमारे मित्र हैं
नारायण जी, उनको एक मैं सवाल पूछूंगा। देखिए किस तरह किस अंदाज में होता है केबीसी। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन इस येवला शहर में लेके आऊं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। और इस समय मेरे सामने उपस्थित है नारायण जी शिंदे, जो कि येवला के निवासी है और हमारे इस स्वप्निल जी के पिताश्री भी है। और उनको मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर उन्होंने इसका सही जवाब दिया तो आज यहां से करोड़पति का किताब लेके जाएंगे वो। मामा जी, आप तैयार हैं? तैयार है। आपके पास चेक तैयार है? बिल्कुल तैयार है मेरे पास। चलो ठीक है, हम भी तैयार है फिर। मामा जी, गेम्स के रूल्स में आपको बता देता हूं, यहां पे इतनी लाइफलाइन नहीं मिलेगी आपको जितनी मैं केबीसी में देता हूं। क्यों, ऐसा येवला वाले में क्या खराबी है? नहीं नहीं, खराबी नहीं, बहुत होशियार है। इसके लिए मैंने एक ही लाइफलाइन दी है इनको, और सवाल भी एक ही है आपके लिए। तो जो लाइफलाइन है, कॉल अ फ्रेंड। अगर मैं जब आपको एक सवाल पूछूंगा, अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है उसमें, आपको अगर सहायता लेना चाहते हैं तो आप किसी भी मित्र को आप पूछ सकते हैं उसका जवाब। तो चलिए हम और आप खेलते हैं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। नारायण जी, पहला प्रश्न आपके लिए और आखिरी प्रश्न। नारायण जी, अक्सर क्या करते हैं आजकल आप, मुझे बताइए भले, क्या करते हैं? अपना तो एक छोटा मोटा काम है, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट बेचते और अपना प्रपंच चलाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ट्रैक्टर तो एक हमारे किसानों की जान है भाई, और ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट तो काफी, मतलब वो तो लगने वाली चीज है। ये बहुत अच्छा काम है आप करते हैं। चलिए, तो जब आप स्पेयर पार्ट के शॉप के अंदर जब रहते हैं तो घर जाते समय तो काफी वक्त हो जाता होगा, समय पे नहीं जा सकते आप मेरे ख्याल से? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कभी जाते कभी नहीं जाते, कभी देरी हो जाती, कभी देरी हो जाती है, हो जाती देरी कभी, क्योंकि अक्सर क्या है, हमारे जो हिंदुस्तानी जो पत्नी है, यहाँ पे है आपकी पत्नी है? हमारी धर्म पत्नी, हाँ है। कहाँ है? इधर है, हाँ है, ये पीछे खड़ी है आपके पीछे। भाभी जी नमस्कार करता हूँ, आपके पति जो मेरे सामने खड़े है, और अगर वो करोड़पति का किताब यहाँ से लेते हैं तो आपके लिए काफी कुछ चीजें लेने वाले हैं वो। क्या लेंगे सर आप करोड़पति बन गए तो? एक येवला की पैठनी। क्या बात है भाभी जी, क्या चाहती है आप अगर ये करोड़पति बन जाते हैं तो? इसमें बोलिए, प्यार चाहिए। अरे प्यार तो मिलता रहेगा उनसे, वो प्यार तो फ्री में मिल जाता है, वो तो रोज दे देते वो। लेकिन ये जो है क्या है कि गहने वगैरह जो होता है इंसान तो थोड़े कम खरीदता है, लेकिन मामा जी ऐसे नहीं है, मामा जी बहुत बड़े दिल के आदमी है। तो चलिए हम और आप खेलते हैं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। मामा जी, जब आप अपने शॉप के अंदर होते तो घर जाते समय काफी देर हो जाती है? कभी कभी, कभी कभी, कोई बात नहीं। तो ऐसे वक्त में घर की हालत क्या होती है, यही हमारा सवाल है। जब आप अपने काम से घर जाते हैं देरी से, तब घर की हालत क्या होती है? ये रहे उसके ऑप्शन। ए, किचन में जोरदार बर्तन की बारिश होती है। बी, खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। सी, भाभी जी से बातचीत बंद हो जाती है। या डी, भाभी बड़े प्यार से आपको परोसती है खाना। डी। सोच लीजिए। सोच लिया। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। अभी आप थोड़ा सा पीछे जाइए, याद कीजिए वो दिन जब बर्तन की बारिश होती है, खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, और सही सही जवाब दीजिए। ये जो हमारी जनता है ये बहुत अच्छी होशियार है, और आपको काफी सालों से परिचित है, तो आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं, या फिर लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हमारे घर में ऐसी बारिश हुई नहीं जो बर्तनों की होती। क्या बात है, बिल्कुल नहीं। मतलब ये बर्तन की बारिश क्यों नहीं हुई, ये आपकी वजह से नहीं हुई है? भाभी ये सब अच्छा है, आप कुछ भी समझिए। चलिए हम बताते हैं, कंप्यूटर महाशय है, प्लीज हमें बताइए इनका जवाब सही है या गलत। बहुत प्यार करते, गलत जवाब नहीं दिया मामा जी। बहुत प्यार करते हैं हम, हमने पहले ही बताया था कि अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भरोसा। लेकिन है। आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया, और क्या बताए अभी मामा जी, मुझे आपने जो जवाब दिया है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू।
यू बिग एंड और आज ये करोड़पति बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। मामा जी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपने करोड़पति खिलवाया मुझसे, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको जो चेक है मैं भेजता हूँ, चलेगा। कैसा है सर कि ये जो जनता है इसके अंदर वो जो चेक है वो बेरर चेक है, किसी के भी हाथ में आ गया तो वो लेके चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या है कि अभी करोड़पति का जो चेक है वो तो कभी कुछ हो सकता है, तो मैं सेफ रखा है मेरे पास। मैं बिल्कुल बंबई जाते हैं मैं आपके पास भिजवा देता हूँ, चलेगा। ओके ओके मामा जी, मुझे अब निकलना होगा, मैंने काफी समय लिया आपका और यहाँ पे सब येवला वासी, मैं पहली बार येवला में आया हूँ और इतना प्यार देखने के बाद बहुत हर्ष हो रहा है मुझे। और जाते जाते मैं एक ही बात यहाँ से कहना चाहूंगा कि फूल कांटों से जुदा होते हैं, फूल कांटों से जुदा होते हैं, उसकी खुशबू से नहीं, हम आपसे जुदा हो रहे हैं, आपके प्यार से नहीं, आपके प्यार से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। एक मिनट, एक खाली फोटो भेजते है हमारी जो प्यारी प्यारी बीबी है उनको भी आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। आप कभी येवला में शादी रहे तो जरूर जरूर आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। येवला वासियों के तरफ से हम खुद